वेलकम टू एन थ्रू इंटरनेशनल सो इन टूडेज लेक्चर वी विल भी डिस्कसिंग होमो इरेक्टस इन हुम एवल्यूशन दिस इज आवर सिलेबस एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड होमो हैमो एरेक्टस ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी है और नेट जे आर एफ के सलेबस में भी हैं तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी नजर डालते पीछे जो हमने पढ़ा हमने पहले पढ़ा प्री ह्यूमन ह्यूमनिड जो है उन उसके बारे में पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा तो भी तुगनेस और रेमिडस को भी जो हमारे सिलेबस में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सिलेबस में है देन वी हैव स्टडीड अर्ली ह्यूमनिट्स अर्ली ह्यूमनिट्स में हमने पढ़ा अस्ट्रोलियोपेथिक्स और पैरेंथोपस के बारे में अस्ट्रोलियोपेथिक्स की सात स्पीशीज़ हमने कवर कर ली और पैरेंथोपस की तीन स्पीशीज़ वो भी कवर uh, कर ली एंड देन इन फॉलो अप हमने स्टडी किया हमने पढ़ा अर्ली ट्रांजिशनल होमनिड्स फर्स्ट क्या पढ़ा प्री होमनिट देन अर्ली होमनिट देन ट्रांजिशनल होमन जिसमें हमने हमोहेबल्स पढ़ा एंड इन टूडेज़ लेक्चर वी विल भी डिस्कसिंग होमो एरेक्टस होमन एंड एवोल्यूशन का पहला है होम होमो एरेक्टस वो हम आज पढ़ेंगे आज हम होमो एरेक्टस के रिगार्डिंग थोरोली पढ़ेंगे फिर उसके बाद उनकी जो स्पीशीज़ हैं सब स्पीशीज़ हैं डिफरेंट सब स्पीशीज़ उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे एज प्रवर सिलेबस एज यहाँ पर आप देख सकते हो कि होमो Uh, जो इरेक्टस है उसका क्या क्या पढ़ना है जैसे तुर्काना बॉय है जावा पैक पैकनी पैकिंग मैन ये सारे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट स्लाइड होमो इरेक्टस स्पीशीज़ है होमो इरेक्टस एंड फर्स्ट होमो इरेक्टस वाज़ डिस्कवर्ड बाय द बॉयस इन 1891 एंड इसका जो टाइम स्पान था टाइम स्पेस था दैट वाज 1.8 टू 1.5 मिलियन इयर्स एगो तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे थी इट वाज इन एशिया अफ्रीका एंड यूरोप तीनों कॉन्टिनेंट में पाया गया एशिया में भी अफ्रीका में भी एंड यूरोप में भी इसके नॉन सब स्पीशीज़ जैसे मैंने अभी बताया हमें होमो इरेक्टस की सब स्पीशीज़ पढ़नी है, ठीक है जिसमें तुर्काना बॉय जो कि कहाँ पे पाया जाता है इट इज़ इन लोए तुर्काना दैट इज़ इन कीनिया दैट इज़ इन अफ्रीका तो अफ्रीका में भी पाया गया दमनिशी the one she is in europe it's in georgia it's in europe and then homo florensis uh, it's also it's, it's sorry it is in uh, uh, this asia and homo erectus javanensis uh, it is in um, java indonesia that is also in asia homo erectus pekinensis is, it is in china एंड होमो एरेक्टस नर्मदिस जो कि इंडिया में पाया गया नर्मदा वैली में नर्मदा रिवर में जो कि लोकेट है इन एम तो ये सारे हमें पढ़ने हैं एक एक करके तो यहाँ पे हम थॉरली पढ़ेंगे इनके बारे में कि होमो एरेक्टस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फिर एक, एक दिन हम दुर्काना बॉय को पढ़ेंगे फिर दमनिशी ऐसे करके अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में सो so, क्योंकि सिलेबस में डिटेल में दिया गया है तो उस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेमो एरेक्टस वॉज डिस्कवर्ड एट त्रिनील एलॉन्ग सोलो रिवर इन सेंट्रल जावा बाई इगैना डबॉयस इन एटीन नाइन्टी वन एटीन नाइन्टी वन में इगीना डुबॉयस ने होमो एरेक्टस को डिस्कवर किया एट त्रिनील एलॉन्ग सोलो रिवर इन सेंट्रल जावा तो उसको उसी को फिर क्या नाम दिया गया जावेनिकस ठीक है जो इंडोनेशिया ये जावा जो है इट्स इन इंडोनेशिया इंडोनेशिया इज इट्स इन एशिया डूबॉयज नेम्ड हिज़ फर्स्ट एज सॉरी ड बॉयस नम्ड हिज फाइंड एज पिथकन थ्रोपस इरक्टस मीनिंग द इरेक्ट एप एंड बिकॉज द फोसल फीमर रिजेंबल्ड दैट ऑफ द मॉडर्न होमो तो डुबॉय ने जब देखा इसने देखा कि ये इरेक्ट है ये बाईपिडल है ये दो टांगों पर चलता है तो उसने इसका नाम दिया पिथकन इरेक्टस पिथकन ट्रोपस इरेक्टस की जब हम लिटरल मीनिंग देखते इट मीन्स द इरेक्ट एप मैन अगर हम इससे पहले पढ़ेंगे इससे पहले हमने पढ़ा था अर्ली होम अर्ली होम में हमने पढ़ा था एस्ट्रोलियोपैथिकस जो इससे पहले का है तो एस्ट्रोलियोपेथिकस को हम बोलते हैं सेमी इरेक्टिक मैन ठीक है सेमी इरेक्ट मैन तो वो पूरा जो हमने लूसी को देखा दैट वॉज नॉट पूरा वो बाईपेडल नहीं था तो जो ये वाला था इट वॉज़ टोटली एरेक्ट एप मैन ऑल दो इसके जो फीचर्स है डेट वे एप लाइक एंड मैन लाइक बट इट वॉज इरेक्ट तो बाइक पेडल सो जो डुबॉय है उसने इसका नाम दिया गया नाम दिया द इरेक्ट एप मैन पिथकन थ्रोपस इरेक्टस बिकॉज द फोसल फीमर रिजम्बल रिजेंबल द इसके जो फोसल फीमर जो थे टांगे जो थे डेट वे आर रिजेंबलिंग टू द मॉडर्न होमोसेपियंस लेटर दिस स्पीशीज़ वॉज रीनेम्ड एज होमो एरेक्टस जेवनसिस तो फिर इसको नाम दिया पहले इसको दुबॉइज ने पिथकन थ्रोपस इरेक्टस नाम दिया द एरेक्ट एप मैन देन उसको उसका नाम दिया पड़ा होमो एरेक्टस जेवन इन्स बिकॉज इट वॉज फर्स्ट फाउंड ऑन दोल रिवर बैंक ऑफ सोलो रिवर इन सेंट्रल जावा इन इंडोनेशिया विच इज़ इन एशिया ओके okay. तो अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स uh, जो इसका स्कल है स्कल इज़ लार्ज विद प्रोनाउंसड बोनी प्रोनाउंसड बोनी रिलीफ जो आप यहाँ पे देखते हो इसका जो इसके जो आईज़ थे उनके ऊपर जो बोनी uh, ये आईब्रोज uh, है उसका जो ये uh, ये पार्ट है दैट वाज़ प्रोमनेंट जो बाहर की तरफ थे प्रोनाउंसड था जो इसका जो फेशियल फ़ीचर्स थे ये भी कंपेरेटिव जब हम सिर को देखते हैं ये कम ये ज़्यादा था फेशियल फीचर्स बड़ा था एज़ कंपेयर टू क्रेनियल फ़ीचर्स इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी दैट वॉज रेंजिंग बिटवीन सेवन फिफ्टी टू ट्वेल्व हंड्रेड सी सी इसकी जो क्यूबिक uh, सेंटीमीटर इसकी uh, जो क्रेनियल कैपेसिटी थी डेट वाज सेवन फिफ्टी टू ट्वेल्व हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर जब हम मीन एवरेज देखेंगे एवरेज वाज नाइन ट्वेंटी नाइन क्यूबिक सेंटीमीटर जो इसका लोअर वैल्यू जब देखते हैं जब सेवन फिफ्टी से ट्वेल्व हंड्रेड तक है जो लोअर वैल्यू सॉरी सॉरी लोअर वैल्यू जो है दैट आर फाउंड एमंग अर्लियर रिप्रेजेंटेटिवज़ एंड हाईली वैल्यूज एमंग लेटर ऑफ द जीन्स एंड द स्पीशीज जितना जो जितना ये सेवन uh, फिफ्टी uh, uh, जो है वो अर्लियर जो लोअर uh, ये रिप्रेजेंटेटिव थे होमो इरेक्टस के उनमें पाए गए जो उसके बाद आ गए उनमें ज़्यादा क्रीमियल कैपेसिटी थी सो दैट इज़ वाई इट वॉज रेंजिंग फ्रॉम सेवन फिफ्टी टू ट्वेल्व हंड्रेड पहले में कम कम था फिर विद टाइम जो है, होमो इरेक्टस की वो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई जो लेटर आगे लेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमो इरेक्टस जीन जो थे उनमें क्रेनियल कैपेसिटी थी कंपेरेटिवली ज्यादा स्कल रूफ फ्लैटनड स्कल रूफ जो था वो फ्लैटनेड था हमने इससे पहले के जो देखे जैसे हमने एस्ट्रोलोपैथिकोपस को पढ़ा तो वहाँ पर उनमें हमने देखा देखाटल क्रस्ट था सजेटल क्रस्ट वॉज वॉज हैंडलिंग द लार्ज्स लार्ज जॉज तो यहाँ पर इनमें फ्लैट रूफ था दैट हमेंटल क्रस्ट देखने को नहीं मिला सो मो ग्रो रिजेज एबोव द आई ऑर्बिट जो हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे आपको क्लियर इमेज दिखती है कि आई ब्रोज के ऊपर जो brow ridges है दे वेर मोर प्रोनासड वो बाहर की तरफ थे द नेजल बोन और ब्रॉड नेजल बोन जो है यहाँ पे दैट वाज ब्रॉड एंड फ्लैट यहाँ पे आप देखोगे नेजल डिप्रेशन इनका जो नेजल ब्रिज है वो ऊपर की तरफ नहीं है इट इज़ फ्लैट एंड द फेस इज मोर प्रग्नाथस देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका जो फेस uh, है दैट इज प्रोगनाथस ऐसे ह्यूमन्स की तरह इस तरफ नहीं है ये थोड़ा बाहर की तरफ है दैट मीन्स इट वॉज हैविंग द प्रोगनाथिक फेस इन कम्पेरिजन टू मॉडर्न मैन जब हम इसको कंपेयर करेंगे अर्लियर ह्यूमिड्स या प्री होमेड्स के साथ तब या ट्रांजिशनल ह्यूमनिड्स का के साथ तब उतना प्रोनाउंसड नहीं था उतना प्रोग्नाथिक नहीं था बट जब आप आज के ह्यूमंस के साथ कंपेयर करेंगे तब ये प्रोग्नाथिक था द बोन्स ऑफ द स्कल आर क्वाइट थिक जो इसके स्कल में बोन्स थे वो थिक थे द मैंडेबल इज़ हेविली कंस्ट्रक्टेड एंड लेग चें जो इसका मैंडेबल था दिस वॉज हैविली कंस्ट्रक्टेड तभी इसको ये बाहर की तरफ है तो ये हैवेली कंस्ट्रक्टेड था और इनमें चीन नहीं पाया गया जो चिन्ह है हुमो, हुमो, sapiens में में वो इनमें नहीं था इनमें कहीं ना कहीं वो मिसिंग थी सो मूवंग ऑन टू नेक्स्ट द टीथ और लार्जर दैन दोज फाउंड इन द प्रेजेंट डे मैन जो प्रेजेंट डे मैन है उनके बरक्स उनके कंपेरिजन में इनके जो टीथ थे वो लार्जर थे आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो इसमें दिखाया गया ये जो होमोसेपियंस की बात हम करेंगे उनमें इतने लार्जर टीथ नहीं है इनमें ज़्यादा टीथ बड़े बड़े थे द कनाइंस और समटाइम्स स्लाइटली प्रोजेक्टिंग विद स्मॉल डायसिटेमा अप इन द अपर डेंटिशन अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर दे, देखे हैं तो उनमें मैंने समझाया है कैसे डायस्टेमा आता है जब आपके जो दांत हैं वो बड़े होंगे और स्लाइटली जो स्लॉट पोजिशन में होंगे और बाहर की तरफ होते तो वहाँ पे गेप आ जाता है जिसको हम डाइसिटेमा कहते हैं तो इन जो जो होमोरैक्टस था इनमें भी प्रोजेक्टिंग जो कैनाइंस थे दे वर प्रोजेक्टिंग सो इनके जो अपर डेंटेशन में गैप आ रहा था डाइसिटेमा था बिटवीन टू टिथ देयर वाज अ गैप इट वाज़ बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से जो इनका जो कैनाइंस uh, थे वो थोड़े बाहर की तरफ थे जिनकी वजह से ऊपर वाले हिस्से में इनको इनके दांत के बीच गैप था द लिम बोन्स और एसेंशली मॉडर्न जो मैंने बताया इनका बाइपेडल नेचर था तभी इनको डुबॉय ने बोला ये इरेक्ट एप मैन इनके जो लिम्स थे दे वर डिवेलपड लाइक मॉडर्न मैन तो यहाँ पे आपने देखा जो दांत है दांत में ऊपर साइड में डाइस्टिमा था इनके चिन्ह नहीं था तो थोड़ा सा ये ये जो चिन्ह है वो टोटल एबसेंट था थोड़े जो दांत थे वो बड़े थे किनसे मॉडर्न होमोसिपियन से और इनमें जो फोर सॉरी जो लिम्स है वो दे वेर मॉडर्न लाइक मॉडर्न होमोसिपिन द होमो इरेक्टस सीम्स टू हैव बीन केव डिवेलर एंड वॉज बिंग बिग गेम हंटर एसोसिएटेड विद एचुएलियन टूल ट्रेडिशन तो होमो एरक्टस में जो ये है ये पाया गया कि दे वर केव डिवलर्स ये कहाँ पे रहते थे ये केव डिबलर्स थे ये गुफाओं में रहते थे एंड दे वर डूइंग बिग गेम हंटिंग तो ये बड़े बड़े जानवरों का आ, हंट करते थे फॉर देयर फूड एंड वेर आल्सो यूजिंग द एचवेलियन टूल्स जो अर्ली टूल्स थे लाइक हैंड एक्सेज वगैरह ये उनका यूज़ करते थे क्या पता इट वॉज ये एग्जम्पन्स है कि ये एक्सीडेंटली हुआ होगा उन्होंने जब टू ये फ्लैक्स देखे होंगे या इन्होंने जब ये स्टोन टूल्स देखे होंगे जो मतलब नेचुरली जिनके जो फ्लैकिंग हो गई हो हुई थी तो उन्होंने बाई चांस देखा उससे हम इजिली काट सकते हैं फिर उनके कॉगनेशन तो ट्वेल्व हंड्रेड की तरफ बढ़ रही थी तो उन्होंने ये देखा इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जैसे सेवन फिफ्टी से ट्वेल्व हंड्रेड की तरफ जा रही थी तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो टूल है ये हम यूज कर सकते हैं अल्दो ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये मैन्यूफेक्चर कर रहे थे खुद टेक्निक्स का यूज करके टूल बना रहे थे बट जो नेचुरली बनी हुई टूल्स थे स्टोन टूल्स थे उनका ये यूज करते थे तो और बिग गेम हंट्स करते थे बड़े बड़े जानवरों को लाइक एलिफेंट रनोसर्स या, um, या बाइसंस को ये मार के खाते थे बिग गेम हंट करते थे देयर आर एविडेंसेस ऑफ फायर कुकिंग फायर यूज कुकिंग ऑफ़ मीट सजेस्टेड दैट लेस फूड वाज ईटन ऑन द स्पॉट एंड मोर कैरीड बैक टू द द कैंप दैंप दरक्ट दस ऑफ कल्चरल अडाप्टशन दैट अलाउड इट्स प्रोसेस प्रोसेसर्स टू एक्सपेंड इन न्यू नीशे तो इनको क्या हुआ था जो जो आ, ये जो इनके केव डेवेलिंग से पता चला है कि ये फायर का भी यूज करते थे मेक यूज ऑफ फायर आल्सो एंड कुकिंग मीट खाते हैं कुकड मीट खाते हैं ये खाते थे ये और जहाँ पे ये हंट करते थे वहां पे थोड़ा सा खा के ये बाकी सारा अपने केव्स में लाते थे जो हमने ऊपर देखा देवर रिजाइडिंग इन केव्स तो ये वापस लेके कर वहाँ पर फिर बाकी खाते हैं क्योंकि ये अगर ये बड़े लोगों का कत्ल करते थे हंट करते थे बिग गेम हंटिंग करते थे तो वहाँ पे आ, उतना तो ये नहीं खा खा पाते थे अगर एक एलिफेंट को मान लीजिए इन्होंने हंट किया तो वो थोड़ा थोड़ा खा के जो बाकी सब था वो केव्स में ला कर के फिर केव्स में आराम से कुक करके इनको बहुत दिनों तक चलता था ये बड़ा एनिमल तो शायद इस दौरान जब ये टाइम इनको मिलता था जब ये लार्ज एनिमल का हंट करते थे उस टाइम पीरियड में ये नए नए इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे पहले ये हंटर गैदर ही थे ज़्यादा मुँह मुंह ही करते थे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था ये किसी इन्वेंशन डिस्कवरीज के बारे में इनके पास टाइम होता और ये सोचते पर जब इन्होंने लार्ज गेम हंटिंग स्टार्ट की तो वापस आके ये शायद आराम से इनके पास गज़ा होता था जो लार्ज एनिमल होता था उसको खा खा के ये डिफरेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ के बारे में सोचने लगे तो और क्या है इसके साथ साथ जब ये इनके पास टाइम था इन्होंने डिफरेंट कल्चरल एडाप्टेशन अडोप्ट किए जो जो अपने जो अलाउड दैट अलाउड इट्स पॉज टू एक्सपेंड इनटू न्यू नेशे तो दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द लारज गेम दिस जीनस एंड स्पीशीज़ इज़ प्रोबेबली द इंटरमीडिएट एवोल्यूशनरी स्टेप बिटवीन द लवर होमो होमोहैबल्स एंड होमोसेपियंस, जो हमने अभी बोला कि जो इससे पहले जो आया आ, हमने पढ़ा ट्रांजिशनल होमोसेपियन तो उसको उसका नाम है होमोहैबल्स तो माना जाता है कि ये जो जीन है या ये स्पीशीज ऑफ होमो इरेक्टस है दिस इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन मॉडर्न होमोसेपियन सेम्पियस एंड होमो एबेल्स हैबेलस ये कहीं को अब मानना है कि जो लोबोर पेलेसटोसिन में जो होमोहैबलिसस पाया गया उसके या जिसको हम ट्रांजिशनल होम भी कहते हैं उसके और होमोसेपिन मॉडर्न होमोसेपिन के बीच ये एक ट्रांजिशनल ये है ये एक इंटरमीडिएट एवोल्यूशनरी स्टेप है

तो आल दो कुछ ट्रांजिशन कुछ पाए गए एशिया यूरोप और अफ्रीका में बट इट इज स्टिल हैजी ए मेनोरिटी ओपिनियन स्टेट्स दैट होमो एरेक्टस वॉज नॉट ऑन द डायरेक्ट एवोल्यूशनरी लाइन ऑफ होमोसिपियंस एंड सम सजेस्टेड दैट होमो एवोल्यूशनरी बाईपास होमो एरेक्टस इन एशिया तो कहीं का माना है मानना है कि नहीं इट वॉज नॉट होमो एरेक्टस नॉ इज नॉट दैट एवल्यूशनरी स्टा बिटवीन होमो हैमोसिपियंस बट व्हाट दे ओपिनियन वट देअर ओपिनियन इज दे सजेस्ट दैट जो होमो इरेक्टस है ये अलग एक एवोल्यूशनरी लिंक है ये अलग एक, एक जो ट्री बनता है इसका एवोल्यूशन का ये एक अलग बाईपास हो रहा है होमोसिपियंस जो हम एशिया में देखते हैं एशिया का होमो एरेक्टस वो अलग बाईपास होता है है और होमोसेपियंस अलग आ जाते हैं तो इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ऑल दो दिस मीन्स होमोसेपियन एरोज डायरेक्टली फ्रॉम अफ्रीकन होमो एबलस बट फर्दर तो कुछ कह कुछ का मानना है जो एशिया में होमो इरेक्टस है वो अलग एक लाइनेज है उससे होमोसेपियंस इवॉल्व नहीं हुए हैं बट जो अफेरिका के अफेरिका में जो होमोहैबलस पाया गया उससे होके डायरेक्ट होमोसेपियंस बन गए ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है डिफरेंट लोगों का माना है दैट मीन्स स्टिल देयर आर क्वाइट हैज़ी इट इज़ स्टिल क्वाइट हेजी दैट वी आर नॉट हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं इसको uh, जो हम क्लियर करते हैं कि क्या होमो इरेक्टस एक इवोल्यूशनरी स्टेप था फ्रॉम होमोहेबेस टू होमोसेपियंस होमोहेबल बट फर्दर एविडेंस आर स्टिल अवेटेड टू सेटल दिस पॉइंट ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट होमो इरेक्टस तो होमो इरेक्टस के बारे में ये थॉरोली एक इंट्रोडक्टरी क्लास uh, थी तो नेक्स्ट uh, uh, जो हम हैं हम इसको एक एक करके डिस्कस uh, करेंगे यूरोप में भी जो ये होमो इरेक्टस पाया गया तीन कॉन्टिनेंट्स में ये कैसे सप्रेड हुआ कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ तो कहाँ कौन सा पाया गया तो ये हम अलग कर अलग अलग करके इनकी सारी सब स्पीशीज़ पढ़ेंगे आई होप यू लाइक द लेक्चर इफ यू लाइक इट डन डोंट फो गेट टू सब्सक्राइब Our channel and uh, give it a thumbs up thank you